हेलो स्टूडेंट्स हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन साइंस का एक टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं सो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है एंड हमारी बॉडी में उसका क्या फंक्शन है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वॉर्मेंट तो हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है हर सेल की एक लेयर होती है जिससे कि वो अपने मटेरियल को अपने अंदर ही एंडक्लोज रखते हैं और बाहर वाले इन्वामेंट में मिक्स नहीं होने देते लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉर्ड ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सो अगर हम बात करें बहुत बड़ी बड़ी सेल्स की जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हम में सेल होती जो एनिमल्स में सेल्स होती हैं प्लांट्स में सेल होती वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उन हम में जो सेल होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स सेल सो सेल्स को बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है सो टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट कांडस सेपरेट फ्रामच अदर ईच सेल यूज अ मैमरेइन बाउंड स्ट्रक्चर विद इन दैम सेल जिससे कि जो सेल है अगर वो चाहती है कि उनकी एक्टिविटीज दूसरे सेल के एक्टिविटीज से मिक्स ना हो तो वो अपने स्ट्रक्चर को अलग रखती है विद द हेल्प ऑफ सेल मैमरेन दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यू कैरेटिक सेल दैट डिस्टिंगिश फ्रॉम द प्रो कैटिक सेल तो ये के फीचर हैं जो कि यू सेल में होता है जिसकी वजह से प्रोकेरेटिक सेल बिल्कुल डिफरेंट है सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजल आर विजिबल ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज है जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं वी हैव टॉक्ट अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेशन लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में सो सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल ऑर्गेनिज विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाजमिक रेचिकुलम गॉल गी बॉडी यानि गॉल गी ऑपरेटर लाइसोसोम्स माइक्रोकॉन्ट्रिया एंड प्लास्टिक दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वार्ट फंक्शन इन द सेल ये सभी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड उनका सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन देख बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेलो स्टूडेंट्स हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ईआर ER, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मैम्बरेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मैमब्रेन का जो कि ट्यूब्स के फॉर्म में ही शीट्स के फॉर्म में है इट्स लुक लाइक द लॉन्ग टेब्यूल्स और राउंड और द एबलोंग बैग्स ये या तो ट्यूब्स के फॉर्म में दिखेगा या तो फिर राउंड या तो फिर बैग्स के फॉर्म में द ई आर इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सिमिलर है उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत तक हद तक सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस ई आर सो हम पढ़ेंगे एक एक को सो so, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रेड अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल द राइजोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ दिखता है अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमें बहुत रफली स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है यानी जो राइबोसोम्स है वो इसके सरफेस से अटैच्ड है अंदर राइबोसोम्स वच आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर सो राइजोसॉब्स का वर्क क्या होता है ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आदान सैन टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन दअ नीड यूजिंग द ईआर सो जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया है वो अलग अलग प्लेसेस में जाएगा सेल के अंदर अलग अलग प्लेसेस में जाएगा और उनकी नीड भी अलग है यूजिंग ई आर So, जो एसीआर होता है स्मूथ एंड रॉचिकुलम एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट्स और द लिपिड्स, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सम ऑफ दिस प्रोटीन आर लिप सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड द लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मैम इसमें से जो लिपिड ऑफ प्रोटीन्स है ये सेल मैमब्रेन को बिल्ड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिस प्रोसेस इज नोन्ज मैमब्रेन बाइग्नेसिस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैमरेन बाइगनेसिस सम अदर प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स फंक्शन एंजाइम एंड द हारमोन्स कुछ और भी प्रोटीन्स है लिपिड्स है जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनजाइम्स के जैसे या हारमोन्स के जैसे ई आर वेर इज ग्रेटली इन देंस एंड डिफरेंस है सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपरेंस है वो हर सेल में डिफरेंट होता है इट्स ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करती है सो जैसे कि ये एनिमल सेल दे रखी है यहाँ पर आपको डाइग्राम में शो कर रखा है गोल्गी ऑपरेटर प्लाज्मा मेमरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप लाइसोसोम राइबोसोम्स माइक्रोकॉन्ट्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायग्राम आ सकता है एनिमल सेल का तो आपको ये प्रिपेयर करना है

Of the group of animals called the vertebrates, as e ई आर स्मूथ एंटोप्लाज्मिक रेचिकुलम प्लेज अ क्रूसअल रोल इन डेटोक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स अगर ऐसी ऐप की बात करें तो ऐसी ऐप -E बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि पॉइजन को डिटॉक्स कर, कर देता है डेटोक्सीफाई कर देता है एंड ड्रग्स को भी सो so, यहाँ पर आ, प्लांट सेल का भी आपको डायग्राम दे रखा है यानी आपको प्रिपेयर करना है बच्चों हेलो स्टूडेंट्स आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक गोल्गी आपरेटर्स जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं सो स्टार्ट करते हैं ये गोल्गी ऑपरेटर है क्या सो द गोल्गीट फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलियो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ माउंट बाउंड क्लासिकल्स

सो so, ये जो मैमरेन है इसका एक कनेक्शन है मैमरेन के साथ कौन सी मैमरेन एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैमरेन के साथ इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करता है एक और पोर्शन को किसी भी कॉम्प्लेक्स सैलुरल मैमरेन सिस्टम को सो so, जो मटेरियल सिंथेसाइज़ नियर द आर इस पैक आर डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्गी जो मटेरियल सिंथिसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास तो उसको पैक करना उसको डिस्पैच करना अलग अलग टारगेट्स तक सेल के अंदर ले जाना सेल के बाहर ले जाना उन सबका वर्क करता है कॉल ई ऑपरेटर इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑन द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोर करना उसको मॉडिफाई करना और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में पैकेज करना आन इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोलगी ऑपरेटर कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर से बनती है वो भी गोल्गी ऑपरेटर में है एंड द गोल्गी आपरेटर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसॉम गोल्गी ऑपरेटर का गोल्गी ऑपरेटर जो है उसका एक और फंक्शन होता है वो लाइसोसोम के फंक्शन फॉर्मेशन में भी वर्क करता है लाइसोसॉम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है सो so, बच्चों आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए थैंक यू हैव अ नाइस